ये है मोटोरोला का नया एज 50 प्रो। इस फोन के अंदर मोटोरोला ने पहली बार AI डाला है। काफी सारे सॉफ्टवेयर वाले फीचर हैं जो मोटोरोला अपने फोन के अंदर ऐड करता रहता है। इस बार कैमरे में एक अलग सा सेंसर दे रखा है, काफी सारे AI वाले फीचर कैमरे के अंदर भी डाल रखे हैं। एंड कैमरे के अंदर कुछ जुगाड़ भी कर रखे हैं कि भाई शेक करते ही फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटोरोला कैमरे में हर बार थोड़ा बहुत फीडबैक लेता है, इस बार बड़ी छलांग लगी ऐसा लग रहा है दूर से देखने में। या मोटोरोला की बोल सकते थोड़ा फ्लैगशिप किलर वाली सीरीज है, इसमें कुछ माल मसाला डालने की कोशिश करता। मोटोरोला की वजह से हमने सारे ट्राई कर रखे, महंगे वाले, सस्ते वाले, फ्लिप होने वाले, बड़े जो एज सीरीज है इसी ने मोटोरोला को पॉपुलर बनाया। Let's go! Join us for AI Art Edge। इसका मतलब समझ लो, ये फोन मिल जाएगा ना, फिजिक्स के फॉर्मूले सुंदर लिखे हुए। तो कुछ अलग से लग रहा है। ये एक्चुअल रिटेल बॉक्स है, आप दुकान पे आओगे तो ये खरीदने के लिए मिलेगा। एक चीज अगर नोटिस करो, पूरा इको फ्रेंडली टाइप बना रखा है। Edge 50 Pro यहाँ पे लिख रखा है, पर्पल से कलर का आया है कुछ। ओ, कवर काफी इंटरेस्टिंग है भाई। कवर की ना सॉफ्ट टच वाली फिनिश है, बट स्लीवलेस है, साइड में इसका ना हाथ वाथ नहीं है। अच्छा सा लग रहा है भाई। एक चीज मैं नोटिस करी, कहीं पे भी ना प्लास्टिक नहीं है। ओ भाई, चार्जर भी भाई 125 वोल्ट या 123.5, क्योंकि 5 थोड़ा कटा है। एक टाइप सी ब्लैक कलर की केबल है, सिम जैक्टर टूल है, थोड़ा नॉर्मल चाहिए। ये है मोटोरोला का नया एज 50 प्रो। इसमें तीन कलर आते हैं, एक ये पर्पल वाला है, ये एक वीगन लेदर टाइप फिनिश में आता है, एक ये व्हाइट वाला है। भाई ये वाला इटली से बन गया है भाई, ये देखो, आहा, एसिटेट फिनिश बोला जा रहा है इसको, पर्ल फिनिश। हाथ में पकड़ने में भी अलग सा लग रहा है, बट एक टाइप का प्लास्टिक है, बट ऑनेस्टली प्लास्टिक से काफी महंगा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। एंड एक ब्लैक है जो भी भाई सिमिलर फिनिश में आ रहा है। मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो मेरे को दोनों ही फिनिशेस काफी प्यारी लगी, दोनों में फिंगरप्रिंट ज्यादा नहीं आएंगे। एंड जो वीगन लेदर भी है ना, ये थोड़ा सा ना रबरी टाइप है। मेरे को पर्सनली, मैं इतनी तारीफ ऐसे करता नहीं, बट मेरे को कवर बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि कवर की भाई साइड से डिजाइन है, ऑलमोस्ट एक सीमलेस सा डिजाइन है, ऐसे मिल सा जाता है। हाथ में पकड़ोगे ना आपको लगेगा नहीं कि भाई कवर लग रखा है फोन के अंदर। और वो छोटी छोटी चीजें जिसमें जो कैमरा बंप है ना, मतलब हल्का है, स्लोप सा आ रहा है इसके अंदर, ऊपर की तरफ ही एकदम मिल जा रहा है, साइड से भी मिल जा रहा है, डिस्प्ले भी फ्रंट साइड में एक अच्छा खासा कर्व है, साइड पे भी हल्का सा कर्व है। और जो पूरी बॉडी है ये मेटल की है, नीचे की तरफ एक USB टाइप सी का पोर्ट, एक सिम ट्रे है, जैसे आप सिम खोलोगे ना इसमें एक सिम, दूसरी साइड दूसरी सिम। एंड यहाँ पे आज जो रेड रेड देख रहा हूँ ना, ये बेसिकली रबर बैंड है प्रोटेक्शन के लिए, IP68। ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमॉस लिखा है। बैक साइड में अगर आप नोटिस करो, 1, 2, 3 और यहाँ पे एक छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल में लगा रखा है। ये एक कलर्स के लिए अलग से सेंसर लगा रखा है, इससे एक कलर को भांप लेता है और फोटो काफी अलग सी लेता है, बट हम टेस्ट करके चेक करेंगे। और एक चीज और जो हमने टेस्ट करी, इसका डिस्प्ले जैसे कि देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा कर्व्ड है, और फ्रंट से अगर आप देखोगे तो भाई बेजल ऑलमोस्ट साइड से गायब सी हो जाती है। काफी सारी चीजें इसमें नोटिस करी, जैसे काफी जगह अगर आप ऐसे मैं खोल रहा हूँ ना, तो ये बैकग्राउंड ना ब्लर हो जाता है, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे पूरा ब्लर ब्लर हो रखा है। ऐसे टैप एंड होल्ड भी कर रहा हूँ तो ये जो मेन्यूज है पूरे ब्लर आ रखे हैं। ये काफी अलग सा, काफी प्यारा सा लगता है। अगर मैं वॉलपेपर्स में जाऊं भी ना, तो इसमें मेड विद AI भी है, मतलब आप एक्चुअल AI से इसके अंदर वॉलपेपर बना सकते हो। आप गेस करने की कोशिश करो भाई किस चीज की फोटो खींची, चार्जर की फोटो खींची भाई मैंने, चार्जर का अलग अलग पैटर्न बन रखा है, ये ब्लैक है, ये अलग सा कुछ जूम इन करके बना दिया, ये एक बेज कलर में इसने बना दिया। एक और चीज मैंने नोटिस करी कि मतलब मैंने जैसे ये विंडो खोली ना, अरे ऐप्स कहाँ गई सारी। मेरे को लगा भाई पहले ब्लोटवेयर नहीं डालते थे हम लोग, तारीफ करते थे, उन्होंने बोला ऐप्स ही हटा दें सारी, मेरे को ऐसा लगा। बट ऐसा है नहीं, मोटोरोला के फोल्डर के अंदर सारी ऐप्स डाल दी, गूगल के फोल्डर के अंदर गूगल की सारी ऐप्स डाल दी। इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक 8 GB वाला है, एक 12 GB वाला। 8 GB वाले के साथ आपको 68 वॉट का चार्जर मिलता है, एंड 12 GB वाले के साथ 125 वॉट का चार्जर मिलता है। फोन दोनों सेम है, 8 GB वाले को भी आप तेज चार्ज कर सकते हो अगर आप बाहर से 125 वॉट वाला चार्जर लेंगे। एक चीज और मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी, इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, जो इस सेगमेंट में आती नहीं, वायरलेस चार्जिंग में आती भाई। 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग में आप किसी दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो। वैसे बैटरी इसमें 4500 mAh है, जो मतलब इतनी नहीं है कि दूसरों को दान कर पाऊंगा, बट खुद अपने आप को एक दिन तक ये संभाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक 6.7 इंच का 1.5K डिस्प्ले ऐड कर रखा है, फुल HD से भी थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले है, HDR10+, 10 bit, जितनी चीजें भाई सब कुछ इसके अंदर डाल रखा है। एंड डिस्प्ले डेफिनेटली भाई बहुत प्यारा फील होता है, पूरा कर्व डिस्प्ले है भाई, मेरे को पर्सनली ट्राई करके काफी ज्यादा मजेदार सा लगा। बस एक चीज बीच में आ रही है,
अलग सा लग रहा है भाई। जैसे कि आप खुद भी देख पा रहे हो जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट एकदम, अगर मैं लेफ्ट राइट से भी करके दिखाऊं ना तब भी काफी प्यारा सा लग रहा है, काफी ब्राइट है, ऐसा लग रहा है कि भाई उभर के आ रही है चीजें। मोटोरोला ने कुछ कलर सा डाला है, बेसिकली पैंटोने कंपनी है जो ऐसे कलर्स वलर्स का काफी काम करती है, उसे कलर ग्रेडिंग ये वो सारी चीजें, 50,000 की मार्केट किताब भी पड़ी पैंटोने। उस कंपनी के साथ गठबंधन करके इन्होंने डिस्प्ले के कलर्स के अंदर और कैमरे के कलर्स के अंदर कुछ करा। डिस्प्ले में तो जो भी करा अच्छा करा है, क्योंकि मजा सा आ रहा था देखने। तोते लाल दिख रहे थे, टमाटर गहरे दिख रहे थे, मतलब उल्टा बोलने में बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं डिस्प्ले में, जैसे पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की है, एक जो फ्लिकरिंग वाला इशू आता है लो ब्राइटनेस पे वो नहीं है, ऑटो डिमिंग है, बहुत सारी चीजें, मतलब एकदम अगर सीधा सीधा बताऊं इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द टॉप डिस्प्ले आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हो। गेम खेल के देखिए और अच्छे से बल चले, गाना बजा के देखते हैं भाई। ऊपर ही सीधा है, नीचे ही सीधा है। आवाज डेफिनेटली भाई काफी प्यारी है, क्लैरिटी भी काफी अच्छी है, अच्छा खासा लाउड भी है। मोटोरोला ने भाई काफी सारे सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स ऐड कर रखे हैं जो काफी मजा आता है भाई चलाने। मोटोरोला के बेसिक फीचर्स जैसे चॉप करके फ्लैश लाइट जल जाती है, ऐसे ट्विस्ट करके आपका कैमरा चल जाता है, ये सब तो काम करते हैं। एंड मोटोरोला भाई 3 साल के OS अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड्रॉइड 14, ये सारी चीजें प्रॉमिस करता है। बट काफी सारे और फीचर जो है काफी सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप होम स्क्रीन पर होल्ड करोगे तो एक पर्सनलाइज वाली सेटिंग आ जाती है, आप थीम, फॉन्ट, विडजेट सारी चीजें चेंज कर सकते हो। पहले तो कस्टमाइजेशन वाले काफी सारे फीचर्स हैं, एज लाइटिंग है, फिंगरप्रिंट के एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन का क्लॉक अगर आपको चेंज करना हो। बट मेरे को पर्सनली जो मोटोरोला एक दो सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे लगे और थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स से पिन स्क्रैम्बल करना, थोड़े बहुत सिक्योरिटी फीचर्स हैं, सिक्योर फोल्डर आप ऐड कर सकते हो। बट मेरे को भाई इस फोन को जो आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हो उसमें काफी ज्यादा मजा आता है। मोटो का रेडी फॉर एप्लीकेशन है जिसमें आप फोन को डायरेक्ट लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत चीजें ऐड करेंगे, जैसे अगर आप ऐसे एयरपोर्ट पे जाते हो एक वाईफाई पे सिक्योरिटी डाल रखी है, एक वाईफाई ब्लॉक लिस्ट भी है जिसमें अगर आपको अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन, पेटीएम, वेटीएम, ये सारी एप्लीकेशन है इनको आप ब्लॉक कर सकते हो भाई। ओपन खुला आपको एयरपोर्ट एयरपोर्ट वाला वाईफाई दिख रहा हो उसको यूज नहीं करेगी। फैमिली स्पेस करके फीचर है भाई, उसमें बच्चों बच्चों की लिमिट लगानी होगी भाई, आज के लिए IPL के बाद 4 घंटे देखो तो जैसे ही फाइनल का चक्का पड़ने वाला हो ऐसे भाई गायब हो गए। काफी सारे लोग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कि भाई मैं ना मतलब जैसे टाइमर सा लग जाए कि मैं इतनी देर यूज करता हूँ, तो मोटो अनप्लग्ड करके कि उसमें आप एक में आपको फोकस में आना काम में हो तो का नोटिफिकेशन है। बट मेरे को पर्सनली कनेक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग लगी, जैसे USB टाइप सी का पोर्ट है 3.1 है, तो इसमें आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर लैपटॉप से अगर आप कनेक्ट करते हो तो आप कॉपी पेस्ट काफी आराम से कर सकते हो। बेसिक चीजें काफी सीमलेस काम करते हैं और मजा भी आता है। हम गेम ही खेलेंगे इसके बाद, बट नॉर्मली यूज करने में हर चीज काफी तेज रफ्तार चलती है। एप्स भी अगर मैं खोलूं, यहाँ पे खोल ली, फिर उसका मैसेजेस वाला, फिर क्रोम खोल लिया। सबसे पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट हैवी गेम, अरे ठोकना तो पार्ट होता है भाई, मिशन का पार्ट होता है। ये है नेक्स्ट गेम, इसमें अगर मैं आपको सेटिंग दूंगा अल्ट्रा HDR पे, अल्ट्रा सेटिंग पे इसमें गेम चल रही है, काफी प्यारा प्रोसेसर है भाई, एकदम मस्त चलती है जितने भी हमने टेस्ट करा है। इसमें गेम मोड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसमें CPU GPU का थोड़ा सा बता रहा है। अकूस्टिक लाइट वाइट जैसे ऐसे कोने कोने में आपको ऑन करनी, ये थोड़ा सा अलग सा एक इफेक्ट आपको देगा, एजेस पे ऐसे लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी आ जाती है। धक्का क्यों मार रहा भाई, धक्का मार रहा भाई, भाई दो को तो ना पेट दे भाई, पूरी टीम किल मैं ही मार रहा हूँ, दो बंदे जो मारे हो मैंने मारे। बट भाई एक्चुअली अगर आप गेम देखो, गेम काफी अच्छी चल रही है, मेरी जो ग्राफिक्स हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, एकदम ऑनेस्ट बताऊं भाई ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप फोन वाली ही चीज आ रही है। गेम काफी स्मूथ चल रही है, कहीं पे भी लैग नहीं है, कोई भी डिले नहीं है, एंड मजा आ रहा है भाई गेम खेलने। कर्व डिस्प्ले है तो कुछ लोगों हो सकता है कि मतलब ऐसे ऊपर अगर बटन किसी को लगाने की आदत है तो थोड़ा सा हाथ स्लिप हो, और उसके अलावा भाई परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्मार्टफोन के अंदर। इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 देखने को मिलता है। रैम इसमें LPDDR4X है, UFS 2.2 इसमें स्टोरेज लगा रखी है, इस प्राइस पॉइंट में 3.1 भी आ जाती है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमको कोई दिक्कत नहीं लगी। बट एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कैमरा। इसमें 3 कैमरे का सेटअप है, एक 50 MP प्राइमरी कैमरा है, उसमें अपर्चर कम हो गया, अपर्चर कम होने से फोटो में ब्राइटनेस बढ़ जाती है। उसके अलावा एक 10 MP टेलीफोटो लेंस है, एंड एक वाइड एंगल कैमरा है 13 MP का जिसमें मैक्रो फोटोज भी आती है। ये बीच वाला सेंसर है कुछ कलर वलर के लिए, और ये अपना फ्लैश लगा रहा है, दो फ्लैश है, मतलब आपका बैलेंस हो जाएगा येलो व्हाइट में। सबसे पहले भाई सेल्फी खींच के देखेंगे, चेहरे में बिल्कुल मजाक नहीं, डिटेल्स हैं जो मेरे चेहरे की निखार है, दाढ़ी के बाल है वो सारे काफी अच्छे हैं। कलर में ये नेचुरल कलर है, ये टी शर्ट का इसके अंदर कलर है, बट स्क्रीन भी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है। सेल्फी में मेरे को थोड़ा सा नेचुरल साइड पे लगे, बट बैक साइड वाले कैमरे के साथ
साथ ऐसा नहीं है। एक में वाइड एंगल में यहाँ पे ऐसे खींचू, एक 1x में तकिए की खींच देता हूँ, यहाँ पे भी अगर 3x में खींचेंगे 3x में चेकिंग हो जाएगी। स्पीकर के ऊपर डॉल्बी ऑडियो लिखा हुआ है, वो काफी अच्छे से आ रहा है। बैक साइड में जो कलर्स हैं वो काफी प्यारे आते हैं, कारपेट में भी आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स हैं। व्हाइट के ऊपर लाइट्स को अच्छे से बैलेंस कर रखा है। एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, जैसे आप बाहर देख सकते हो पूरा आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, इसमें भी पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, बट जैसे मैं फोटो खींचूंगा जादू से वो एक चुटकी में हो जाता है। जैसे पत्ती की फोटो भी है, मैंने ना सन के अगेंस्ट लिया है, पर इसमें भी बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा है, बादल बादल काफी प्यारे से हैं। एक चीज और मैंने नोटिस करी, मिड रेंज फोन में क्या होता है, अगर आप फोटो खींचोगे ना तो हल्का फुल्का आप हिलाओगे तो फोटो के अंदर शेक आ जाता है, बट इस वाले फोन में अगर आप हिलते डुलते भी फोटो खींच रहे हो तो ब्लर नहीं आती। ऐसे रैंडमली फोटो खींच देता हूँ, यहाँ पे हाथ की भी खींच दूंगा, ऊपर की भी खींच देंगे, यहाँ पे हिलते डुलते। मैंने भाई काफी हिलते डुलते फोटोज खींचे हैं, बट ये वाली फोटो भी क्लियर है। 10 में से बोलूंगा मैं भाई 6 फोटोज एकदम ही क्लियर है इसमें, जैसे मेरा हाथ वाथ भी काफी बढ़िया से दिख रहा है। पता नहीं मैं घर पे हूँ क्योंकि मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, ऑलमोस्ट ठीक हो गया, बट इसीलिए मेरी मम्मी ने आज डिसाइड करा कि आज वो अपना मॉडलिंग करियर शुरू करेंगी। 1:24 है मैं, 1:35 एंड एक फुल क्लोजअप पीछे है मम्मी। इसमें देख सकते हो भाई मैं अभी रिकवरिंग चेहरा मेरा, बट ओवरऑल फोटो अच्छी आई है, एजेस काफी अच्छे से बैलेंस कर रखे हैं, बट मैंने मम्मी की काफी सारी फोटोज खींची, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मतलब घर के अंदर इतनी लाइट नहीं है, हल्का सा लो लाइट ही है, हल्का सा आप ग्रीन देख सकते हो, थोड़े से एजेस हल्के से ऑफ फील हो रहे हैं, और जैसे आप अच्छी लाइट में खींचोगे तो भाई बादल वादल काफी प्यारे से, उसके बाद जो एजेस हैं वो भी अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। ये वाली फोटो भी काफी प्यारी सी लग रखी है। इसमें और भी काफी सारे मोड्स हैं, डुअल कैप्चर है, नाइट विजन है, ये कुछ नाइट विजन से हमने फोटोज खींची हैं, ये कुछ लॉन्ग एक्सपोजर की फोटोज हैं, एंड ओवरऑल आप सारी फोटोज देख सकते हो हमने जो इस फोन से लिए, काफी ब्राइट है, वाइब्रेंट है। इसका अल्ट्रा वाइड मैक्रो मोड में भी फोटोज खींच रहा था, तो ये कुछ फोटोज है जो हमने उसकी लिए, एंड टेलीफोटो लेंस है तो आप पोर्ट्रेट मोड की काफी सारी फोटोज ले सकते हो। ये वाली 4K वीडियो है जो हम इसके बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने फोटोज वीडियोज सारी चीजें लेके देखी इस वाले स्मार्टफोन से, डेफिनेटली भाई मोटोरोला ने काफी ज्यादा इंप्रूव करा है, जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, सारी चीजें भाई पहले से काफी ज्यादा बेटर है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली एक इंप्रेसिव कैमरा है। इसके दो वेरिएंट है, 8GB 256GB वाले वेरिएंट का प्राइस 31,999 है, एंड 12GB 256GB वाले का प्राइस 35,999। फोन की सेल स्टार्ट हो रही है 9 अप्रैल से, काफी सारे ऑफर्स हैं, नो कॉस्ट EMI 15,000 तक के जियो के ऑफर्स मिल जाएंगे, प्लस 2,000 रुपए का तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्सचेंज ऑफर आप दोनों में से किसी को भी अवेल कर सकते हो, प्लस आपको 2,000 रुपए ऑफ मिलेगा अगर आप स्टार्टिंग के डेज में लेते हो, तो आपकी फाइनल कॉस्ट हो जाएगी 8128 वाले का 27,999 रुपीज, एंड 12+256GB वाले का प्राइस हो जाएगा 31,999 रुपीज। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं 30,000 रुपए के अंदर ये वाला स्मार्टफोन एक किलर डील है, जो कैमरा है, डिस्प्ले, जो ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें मिला के भाई एक सॉलिड पैकेज बन जाता है। अगर मोटोरोला भाई अपने प्रोमिसेस सॉफ्टवेयर सारे टाइम से दे, सारे अपडेट बढ़िया चले, सर्विस सेंटर आपके घर के पास में, ये सारी चीजें अगर सॉर्टेड हैं तो भाई इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही प्यारा स्मार्टफोन बन जाता है। मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया इसको यूज करने, अलग अलग चीजें ट्राई करने, आई होप आपको भी आओ वीडियो देखना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।